आइसक्रीम वाले भैया से आज बिना पोपट करवाए हम कोन वाला आइसक्रीम लेके भाई एंजॉय करेंगे भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का दिन बहुत ही मस्त रखा है। फिलहाल अभी जस्ट हो रहा है सुबह के 8 एंड भाई 8 बजने के साथ साथ मस्त मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। एंड इतनी सुबह सुबह मैं रेडी क्यों हो गया हूँ आप तो जानते हो भाई, एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो बस फटाफट से जाना है, एग्ज़ाम देना है, फटाफट से वापस आना है। बट एग्ज़ाम देने जाने से पहले मस्त गर्मा गर्म चाय वाय पीना है भाई। अपना गर्मा गर्म चाय भी बन चुका है तो फटाफट से चाय निपटाते हैं एंड फटाफट से एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं भाई। फाइनली एग्ज़ाम अटेंड करके मैं घर पे वापस आ चुका हूँ एंड एग्ज़ाम बहुत ही मस्त गया है। एंड बाकी अभी ना भाई साहब इतना तगड़े वाला भूख लगा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब सुबह से जब मैंने कुछ खाया ही नहीं है एंड आज तो मैंने गन्ने का रस भी नहीं पिया है तो भूख तो लगना ही है। तो हाँ कोई नहीं, फटाफट से चलते हैं मस्त गर्मा गर्म लंच करते हैं भाई। अपना गर्मा गर्म लंच आ चुका है, दाल चावल रोटी आलू पनीर का सब्जी आलू का भुजिया पापड़ इतना सारा कौन खाता है यार। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल मस्त गर्मा गर्म लंच निपटाते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना लंच वंच हो चुका है एंड लंच करने के बाद ना मुझे मार्केट जाने का काम मिल चुका है, बिकॉज मार्केट से ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सामान लाना था। मतलब पता है कि अभी जस्ट मैं औरंगाबाद से आ रहा था, मम्मी कॉल करके नहीं बोली कि सामान लाना है। अभी मैं घर पे आ गया, लंच वंच हो चुका, खाना पीना हो चुका, तब मम्मी बोल रही है कुछ कुछ सामान लाना है। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल फटाफट से जाते हैं सामान लेते हैं, फटाफट से वापस आते हैं ब्रो।
हम रॉन्ग साइड वाले पुल पे खड़े हैं एंड आप यहाँ से ना चेक करो, क्या अमेजिंग सा सीन आ रहा है यार। एंड इस साइड से मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस भाई, ओवर ब्रिज के बीच में खड़े होके भाई क्या अमेजिंग सा रहा यार। मस्त अपना गर्मा गर्म चाय बन चुका है, अदरक इलायची एंड लौंग वाला, एंड हाँ साथ ही साथ ना बिस्किट भी है, तो अभी फटाफट से मस्त गर्मा गर्म चाय बिस्किट एंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल चाय वाय पीने के बाद ना हम का मतलब मैं और बंटी, हम दोनों इस पीछे वाले रास्ते पे बहुत दूर आ चुके हैं, मतलब आई थिंक ना 2-2.5 किलोमीटर हम पैदल आ गए, मतलब पता नहीं कैसे, बस हाँ बातचीत करते करते भाई इतना दूर आ गए 2.5 किलोमीटर। एंड हाँ पता है क्या भाई साहब, अब पता ही नहीं चल रहा यार घर पे जाए कैसे, मतलब बातचीत करने के चक्कर में ना हम 2.5 किलोमीटर दूर आ गए एंड अब पैदल 2.5 किलोमीटर घर जाने का हिम्मत ही नहीं है, फिर भी हम कुछ तो मतलब हल्का चले जा रहे हैं। बट बंटी मैं थक गया भाई, ये थक गया अभी थक गया अभी तो आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर चलना है बंटी मजाक नहीं, अरे यार हम नहीं चल पाएंगे। एंड भाई साहब जस्ट लुक एट दिस सीन यार, कितना मस्त हरियाली वाला सीन हो रखा है ना, एंड इसी फ्रेश एयर के लिए पता है क्या हम 2-2.5 किलोमीटर, कभी कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर तक हम पैदल आ जाता है, मतलब अप एंड डाउन 5 किलोमीटर का हो जाता है, एंड कभी कभी तो अप एंड डाउन 3-4 किलोमीटर ऐसे भी रहता है। बट सीन इतना अमेजिंग सा है ना, आप ये वाला सीन चेक करो भाई, कितना अमेजिंग सा है, कितना मस्त सा है। एंड आप पीछे में चेक करो यार। फिलहाल आइसक्रीम वाले भैया से आज बिना पोपट करवाए हम कौन वाला आइसक्रीम लेके भाई इंजॉय करेंगे। भाई साहब उस दिन ना क्या गंदा वाला पोपट हुआ था यार, आइसक्रीम मिला ही नहीं था, बट आज आइसक्रीम मिल चुका है, कौन मिल चुका है, एंड बंटी तो स्टार्ट भी हो गया यार, गजब मस्त आइसक्रीम खा के तो मैं कब का ही घर पे आ चुका था। एंड आज वॉकिंग करके ना भाई बहुत ही ज़्यादा पैर दर्द करने लगा है, बिकॉज भाई साहब अप एंड डाउन 5 किलोमीटर पड़ गए थे भाई, हालत पंचर हो गया था। एंड अभी मस्त अपना डिनर विनर सब हो चुका है, एंड अभी पता है क्या रात के 10:30 बज चुके हैं, एंड अब मैं जा रहा हूँ फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी आप जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। कितना अमेजिंग सा है ना, आप ये वाला सीन चेक करो भाई, कितना अमेजिंग सा है, कितना मस्त सा है। एंड आप पीछे में चेक करो।